हेलो बच्चों, आज मैं एक वाशिम डिस्ट्रिक्ट में रिसोड़ एक तहसील लेवल का गांव है और उसमें मैं अभी आ गया हूँ। रात के नियर अबाउटली 9:30 और मैं ऐसे शख्स को मिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि यार जिसने घर पे बैठ के मतलब कोई ऑफलाइन या बड़े क्लासेस में ना लगाते हुए भी उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और ऐसे शख्स को आज आपको मिलाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करके दूंगा यार, हमारे साथ है ना जादव है, आपका खुद का एक बार इंट्रोडक्शन दोगे ताकि सभी बच्चों को पता लगे। ये जयंत जादव है, उन्होंने ऑनलाइन ओनली घर पे पढ़ाई की है और ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर जाना पड़ा। ये गाँव एक तहसील लेवल का गाँव है, कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है जैसे कि कोई पुणे जैसे बच्चे कोटा जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पढ़ के भी आप अपना जो ड्रीम है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ CUP VGT ICT PICT जैसे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अपने घर पे बैठ के भी आप अपना ड्रीम्स जो है वो हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दो और आपका कहाँ नंबर लगा, क्योंकि आपसे मुँह से सुनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा नाम जयंत जाधव है और मेरा सिलेक्शन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में हुआ है फॉर ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब COP में CH ब्रांच, वो भी पहले राउंड में। और ऐसे नहीं बच्चों की इनकी जो चलन बोलते हैं ना, रिसिप बोलो या आप लोग चलन बोलते हो, ये चलन है उनका खुद का, ये चलन पे आप लोग उनका नाम देख सकते हो। उन्होंने फीस भर के आए हैं और उनके पापा का मुझे कॉल आया कि सर मेरे बच्चे का यहाँ नंबर लगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और इसलिए हम लोग यहाँ पे फिलहाल में आ गए हैं। उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टिव पार्ट आप लोगों को बता कि कुछ मोटिवेशन मिले। आप भी अपने घर पे, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं कि यार इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होती है ना, कोई पढ़ पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो आप। ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जयंत मुझे आपको बताना है कि यार सबसे पहले कि आप किसको किसको फॉलो करते थे यूट्यूब पे। सो सबसे पहले मैंने मैथ्स का यूट्यूब से ही पढ़ा गया। मैथ्स के लिए मैंने दिनेश सर को फॉलो किया, उनके जो वन शॉट लेक्चर है उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए और उसके बाद POI के सॉल्व किए। फिर फिजिक्स का फिजिक्स सर मुकेश सर के चैनल को फॉलो किया, उस पर भी जो जो वन शॉट थे सारे मैंने देखे और POI पे ज़्यादा फोकस किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CET में POI थे, जो सर ने मुझे बताया था POI ज़्यादा करो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, मैं उनको एग्जाम के पहले मिला था, एक्चुअली वो समय वो PYQ नहीं करते थे, है ना। तो मैंने उनको बोला था यार कि आप PYQ करो, है ना, तो PYQ का फायदा होता है क्या। हाँ, बहुत फायदा होता है, मतलब PYQ से आपको पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है कैसे क्वेश्चन आने वाले। ओके, मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि आप लोगों को अभी क्या फील हो रहा है, क्योंकि COP मिलना एक बहुत बड़ी एक बात होती है ना। हाँ। और वो भी कम दिनों में, मुझे लगता है आपने अप्रैल में कुछ स्टडी चालू की। हाँ। बच्चों एक बात सोचो, थोड़ा सा बेसिक अच्छा था आपका, है ना। हाँ। और बेसिक अच्छा होने से बस MCQs की PYQs की ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बहुत बड़ा फायदा होता है, मुझे ये लगता है। और मुझे एक और पूछना है कि आप जैसे पढ़ाई करते थे तो कैसे स्टार्ट किए, स्टडी कैसे स्टार्ट किया था आपने। तो मैं तो पहले थ्योरी पढ़ता था बेसिक से पूरा। Okay. उसके बाद कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चन होते जो बुक में होते वो किए और PYQs आजकल मतलब 2020 से अभी तक बहुत सारे PYQs होके गए, इसलिए उसका बेनिफिट ज़्यादा मिला मुझे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाया मैं और उससे आइडिया मिला कि वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, जस्ट लैंग्वेज बदल दी। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, इसका मतलब आपका ये है कि PYQ करने से वही रिपीट होता है कॉन्सेप्ट, ये बताना। हाँ। देखो बच्चों, हम लोग भी हमेशा बोलते हैं कि PYQ करने का फायदा क्या होता है, भले थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती होगी। हाँ। लेकिन सवाल वही। हाँ, रिपीट होता है, तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। और जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि मुझे और दिनेश सर को दोनों को भी फॉलो किया है आपने, करेक्ट है। हाँ। तो आप लोगों ने फॉलो करते समय किस किस चीजों पे ध्यान दिया कि यार ये क्वेश्चंस करवाए सर ने, वो करवा दिया, ऐसा कुछ किया क्या, ऐसा प्लान बनाया क्या क्या कुछ। वैसे तो सर ने जो जो क्वेश्चंस उन्होंने कहा था लेक्चर में कि ये इम्पोर्टेंट है, उस पर तो रिपीटेडली वो देखे मैंने और मतलब वन शॉट से कॉन्सेप्ट क्लियर करे उसके बाद PYQs करे, उससे ज्यादा कुछ जरूरत। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए के लिए, जैसे फिजिक्स में आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी क्या। हाँ, पढ़ना चाहिए, उससे क्या आइडिया आ जाता है और अगर कुछ डाउट हो तो वो भी सॉल्व हो जाता है। ओके, मतलब बच्चों सबसे मेन ये है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फार्मूला लर्न करने और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन नहीं बन पाते।
अगर आप चाहते हैं आपके नंबर्स बढ़ना चाहते हो तो आपको नंबर्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज पे जाओ, टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से दो बार तीन बार रीड करो, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया, फार्मूला समझ गया, इसका यू समझ गया, तो यू ही आप ऐसे ही क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस करने से ज्यादा आप लोगों को मुझे लगता है ट्रिक्स मिलती है, है ना। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ट्रिक्स मिलती रहेगी, लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए तो आपको ट्रिक्स कहाँ से मिलेगी। तो ये कोई जादू की कड़ी नहीं है, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो फिर प्रैक्टिस नहीं होती उतनी अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे क्वेश्चन से ही होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। आपने कोई ऑफलाइन क्लास लगाया था? नहीं, यूट्यूब। बस मतलब कोई कोई क्लास नहीं गई? कॉलेज में जाते थे आप? नहीं, कॉलेज में एग्जाम है। ओके, मतलब उन्होंने कोई कॉलेज रेगुलर नहीं किया है, बस ना तो कोई क्लास रेगुलर किया है, ओनली उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ना, पीडीएफ डाउनलोड करना, वही सवाल सॉल्व करना। मतलब सब कुछ हासिल हो सकता है, डिसीजन आपका पक्का होना चाहिए। आपको क्या मैसेज देना चाहते हो इन बच्चों को यार, क्योंकि अगले साल 2024 में बहुत सारे बच्चे, जैसे आपका भी सीओपी में नंबर लगा है, बहुत सारे बच्चों का सीओपी का सपना है, ड्रीम है उनका, क्या वो आपके जूनियर बन सकते हैं? तो इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहते हो क्या? हाँ जरूर, एक्चुअली सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है, अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो आप कर सकते हो। जस्ट आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज रिवाइज करना है, थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूला सॉल्व करने, और PYQs जितने ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व करने, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उससे क्लियरिटी रहेगी। मतलब आपका कहना रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, डेली पढ़ाई करना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, PYQ के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और वो होने के बाद टेस्ट। यस, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जयंत ने बताया, मैं भी खुद भी बहुत जयंत हमेशा लाइव में बताता था, आपको भी याद होगा। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि यार सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसके बाद में आप लोगों ने रेगुलरिटी पढ़ाई करनी चाहिए, रेगुलर लाइव सेशंस करना चाहिए, या रेगुलर वीडियो देखना जरूरी है, PYQ करना जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट देने के बाद क्योंकि आप कहां पे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके ऊपर फोकस करो। नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब से सर्च करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मेरा फिजिक्स ज्ञान मुकेश का चैनल ही यूज करो, ये नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कहीं से भी करो, लेकिन करना जरूरी है। तो यार आपका भी ड्रीम होगा शायद, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी जैसे कॉलेज में वालचन हो, क्योंकि वहाँ हो सकता है IGGS कॉलेज हो सकता है, रामदेव बाबा हो सकता है, SPIT हो सकता है, वो सब ड्रीम पक्के 100% होने वाले हैं। जैसे कि इनको मिलने के बाद मैंने पूरी इनकी इनके फैमिली को मिला, उनके मम्मी पापा को, सबको, उनका भी इंट्रोडक्शन करके दूंगा मैं आपको। लेकिन यार हम लोगों ने पहले इसलिए बात की सबसे पहले जैन को, क्योंकि यार इनका जो मैसेज है हर गांव में हर बच्चे के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे डरते कि सर मैं बहुत रूरल एरिया में रहता हूँ, मुझे कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं है, ना मेरा कॉलेज अच्छा है, बच्चों डरने की कोई चीज़ नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं। आपका जो ड्रीम है, बस आपका काम है ड्रीम देखना, बस रेगुलरिटी रखो, जरूर आपका जो सपना है वो सपने तक पहुंचने का काम हम लोग आपके साथ है करेंगे। आपका जो भी ड्रीम है आज ही लिख के रखो घर में बड़ा सा, COP विजेट ICT PICT जो भी है, और जो भी ब्रांच चाहते हो, यह हो डेटा साइंस हो सकती है, IT हो सकती है ना। तो जरूर मैं चाहता हूँ कि जयंत आपको जरूर ये बच्चे आपको मिलेंगे जूनियर, कि मुकेश सर के चैनल पे आए थे जयंत आप, भैया वो हमने वीडियो देखा था और आपको मिलने के लिए आ गए, ठीक है। तो उम्मीद करते बच्चों हर बच्चे का सपना ड्रीम जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन मत लो, पढ़ते रहना, लास्ट में आपका कुछ मैसेज होगा तो दे सकते हो थोड़ा सा। यही तीन इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, PYQs और मॉक टेस्ट, इन तीनों को रिगरसली फॉलो करिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। जैसे कि अभी मैंने जैन का तो इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन इसके बिहाइंड कौन लोग हैं वो तो जानना बहुत जरूरी है ना यार। उनको तो COP में CS ब्रांच मिले, ठीक है, ये तो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके मेहनत के पीछे भी कुछ लोग होते हैं, आपके घर वाले भी होंगे, वैसे इनके घर वाले इनकी मम्मी है, इनके पापा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि पापा तो बाहर रहते, लेकिन मम्मी है ना यार पूरी चीज ऑब्जर्व करती, कोई भी बच्चों को क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जयंत है इसने कोई ऑफलाइन क्लास लगाई थी क्या? नहीं, त्याने कुठल्याही प्रकारचे ऑफलाइन क्लास लावले नाही, त्याने यूट्यूब वर अभ्यास केलेला आहे,
दिनेश सर आणि मुकेश सरांचे क्लास त्यांनी बघितलेला आहे आणि त्याच्याच आधारावर त्याने जास्त तयारी केलेली आहे. अरे आप जान सकते हो कि यार कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है. उनके पापा भी मम्मी है. क्यों? क्योंकि ये रूरल एरिया है, बहुत अच्छे क्लासेस नहीं होते रूरल एरिया में. दूसरी बात, बड़े सिटी में जाके भी क्या करेंगे, है ना, वहां बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं है. यहाँ पे घर पे रह के उसने बहुत ही बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है. जब हेल्प लगती है, जैसे कि मैं मुकेश सर, दिनेश सर को दोनों को फॉलो किया यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, कोई भी डेटा आप कभी भी देख सकते हो. असलियत में मैम क्या उसके पास फोन था क्या? कोई नहीं, आप सोच सकते, फोन भी नहीं है. कहाँ से यूज कर रहा है? कोई एक लैपटॉप, उसके पापा ने सेकंड हैंड एक लैपटॉप लाया, उस लैपटॉप पे वो पूरे वीडियो देख के वो मेहनत कर रहा है. और आज उसका जो ड्रीम था सीओपी जैसे, सीओपी कॉलेज जैसे ड्रीम कॉलेज को उसने एडमिशन लिया. मेरे पास उसकी पर्ची आपको मैंने बता भी दिया था, है ना, ये पर्ची उसकी, उसके पापा ने लाई, मुझे दिखाई, सर देखो ये पर्ची, इतनी फीस भरी है, वो सब बता रहे मैम. और इसके अलावा कुछ वो पढ़ाई करता था, कैसे करता था थोड़ा? तो रात्री 3 वाजेपर्यंत अभ्यास करायचा, दिवस भर बसून राहायचा. आणि तो त्याला कोणीच असं घरून कधी म्हणजे अभ्यासासाठी त्याला केलं नाही की तो अभ्यास एवढा केलाच पाहिजे, तुझा नंबर लागलाच पाहिजे. तो स्वतः स्वतःची प्रेरणा होता. त्यानं स्वतः मनाने अभ्यास केला आणि खूप जास्त मेहनत घेतली. आम्ही खूप ग्रामीण भागामधले आहोत, त्याला कुठली प्रेरणा नव्हती, पण तो स्वतःहूनच लहानपणापासून खूप मेहनती मुलगा आहे. सुरुवातीपासून त्यानं अभ्यासाकडे खूप लक्ष दिलेलं आहे. इतर गोष्टीची त्याला अजिबात आवड नाही. आतापर्यंत त्याच्याकडे मोबाईल नाही आहे. तुम्हाला मी मराठीत, मी पण बोलतो, आता सगळेच मराठीत बोलताय, द्या तुम्ही विचार करू शकता. हे ग्रामीण भाग आहे, ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थ्याकडे कोणत्याही सुविधा नाही, असं खूप मुलांचे कॉमेंट येतात. सर मी ग्रामीण भागात आहे, इथं कॉलेज नाही बरोबर, इथे ट्युशन बरोबर नाही आहेत ऑफलाईन. अरे काळजी कशाला करता यार, तुम्ही स्वतः ठरवा. तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे. तुमच्या आई वडील तुमच्यासाठी कबड कष्ट करतायत रात्रंदिवस, तुम्हालाही माहीत असेल. कोणाचे आई वडील तर शेतकरी असतील तर शेतामध्ये किती प्रकारच्या अडचणी आहेत, है ना. जरी पीक आलं तर सर भाव भेटत नाही शेतातल्या पिकाला, इतक्या भयानक अडचणी आहेत. आणि त्यांचं एकच ड्रीम आहे की माझा मुलगा, यांचा मॅसेज काय, माझ्यासोबत काय बोलण्यात आलं की सर आमची इच्छा आहे, जसं आम्हाला आमच्या मुलाचा सीओपीला नंबर लागल्यानंतर जो आनंद झाला तो इतरांच्या पॅरेंट्सला सुद्धा आनंद व्हायला पाहिजे, ही त्यांची एक अपेक्षा आहे. हा मॅसेज आहे तिच्यातून, दुसरा कोणत्याही प्रकारचा मॅसेज नाही. आम्हाला हेच सांगायचंय, ग्रामीण भागातली मुलगा सुद्धा सीओपी सारख्या कॉलेजमध्ये जाऊ शकतोय. अरे तुम्ही तर पुणे, मुंबई, नांदेड सारख्या, अमरावती, नागपूर सारख्या मोठ्या मेट्रो सिटीमध्ये राहतात, तर तुम्ही तुमचं स्वप्न नक्कीच कम्प्लीट करू शकता. ग्रामीण भागातले सुद्धा करू शकतात, एक उदाहरण आहे. घरी बसल्या बसल्या सुद्धा अभ्यास करू शकता. यूट्यूब आहे, पाहिजे तेवढं आज कम्युनिकेशन इतकं तगडं झालेलं यार, तुम्ही पण विचार करू शकता ना. तर मॅसेज हाच आहे या दोघांच्या मार्फत, या आई वडिलाच्या मार्फत, की या सगळ्यांनी तुमच्या आई वडिलांचं स्वप्न कम्प्लीट करा, नाहीतर यार तुम्ही पण विचार करू शकता. यांना इतकी मेहनत घेतली, सरांना मी स्वतः बघतोय की रात्री बेरात्री काम करणे असेल, मम्मीचं बीन बघतो, घरच काम करायचं, जॉब करायचा, सोपी गोष्ट नाही आहे. त्यांना काय अपेक्षा होती? आम्ही जे काम करतो ना, आम्हाला फक्त याच एकच अपेक्षा आहे, 11वी 12वी झाल्यानंतर येणारी जी काही गुणपत्रिका आहेत तिच्यावर असणारे गुण आहेत ते योग्यरीत्या असले पाहिजे, बस एवढी अपेक्षा आहे. चला भेटूया पुन्हा असंच काहीतरी एखादा न्यू सेशन सोबत, असेच नवीन तुमच्यासाठी नवीन नवीन व्हिडिओ आणत राहू. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.